बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, दो गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का यह युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।